डॉक्टर शुभम मेहता, आप एक सुयोग्य साइकेट्रिस्ट हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं कि रेबीज की एंजाइटी क्या एक मानसिक रोग बन सकती है? रेबीज की एंजाइटी या ओसीडी, इनमें काउंसलिंग तथा मेडिसिन्स का क्या रोल होता है? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। तो कहीं ना कहीं रेबीज का डर एक बीमारी का रूप ले लेता है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो वो एंजाइटी का रूप ले लेता है। अब आपको एक्सट्रीम केसेस में घबराहट होना, बेचैनी होना, दिल की धड़कन बढ़ना, नींद ना आना और सारा टाइम ध्यान आपका अपने काम से हटके रेबीज के बारे में सोचते रहना, उन्हीं पे लगे रहता है ध्यान, तो ये एंजाइटी बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे पहुंच जाती है कि आपके रूटीन के काम भी इफेक्ट होने लग जाते हैं। तो हम इसे लेबल करते हैं कि रेबीज के डर से बनाई गई एंजाइटी है, या ये एक अपने आप में डिसऑर्डर बन गया है जिसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। रेबीज तो है या नहीं है, बट उसके डर से एंजाइटी डिसऑर्डर बनने लग गया है। और इससे नेक्स्ट स्टेज पे चलें तो हम बार बार अलग अलग डॉक्टर से कंफर्म करेंगे, अलग अलग रिश्तेदारों से कंफर्म करेंगे, अपने फ्रेंड से कंफर्म करेंगे, गूगल पे पढ़ के तरह तरह की रिपोर्ट्स कराएंगे, और सारा ध्यान हमारा, फोकस हमारा इसी बात पे लगा रहता है कि हमें ये प्रूव करना है अपने लिए कि हमें रेबीज नहीं हुआ है या नहीं है। तो जब ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है तो ये ऑब्सेशनल इंटेंसिटी पे पहुंच जाता है, इसीलिए हम इसे ओसीडी का नाम भी दे सकते हैं। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या रेबीज का थॉट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो ऑब्सेशन बन जाता है, वही थॉट हमारे दिमाग में बाकी सारे थॉट्स को डोमिनेट करने लग जाता है। तो ये अपने आप में एक सेकेंडरी मेंटल हेल्थ इश्यूज बनने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत है, इनका ट्रीटमेंट या इनका इलाज करने की ज़रूरत है। ये भी हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि लोगों के माइंड में जो मिथ्स हैं, जो गलत धारणाएं हैं रेबीज या किसी भी सीरियस बीमारी को लेके, अगर हम सिर्फ उनसे बात करके उनके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करें तो बहुत सारे लोग इसी लेवल पे, इसी स्टेज पे समझ जाते हैं और इस वहम या डर को छोड़ पाते हैं और इससे बाहर निकल जाते हैं। जो लोग एक्सट्रीम इंटेंसिटी या सिवेरिटी की लेवल पे, एंजाइटी पे पहुंच चुके हैं, जो बहुत बार कन्विंस करने के बाद भी जो ये नहीं समझ पाते कि नहीं रेबीज मुझे है या नहीं है, मुझे तो लगता है मुझे रेबीज है या कोई गंभीर बीमारी है, ऐसे केसेस में जहां आपकी रोज़मर्रा की लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपको नींद की प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगातार एंग्जाइटी बनी हुई है, अपना रूटीन का काम इफेक्ट हो रहा है, वहाँ कुछ केसेस में हम शॉर्ट टर्म के लिए मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं, और जिनसे आपको डेफिनेटली अपने सिम्टम्स को कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है। आपको रेबीज है या नहीं है, एंग्जाइटी की दवाई उस बीमारी के पार्ट पे कोई असर नहीं डालेगी। रेबीज का ट्रीटमेंट या रेबीज की वैक्सीनेशन एक अलग मैटर है, बट जो वो डर आपके मन में है वो ज़रूर इन दवाइयों से, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन से ज़रूर कम होगा। और उसका दूसरा मकसद भी ये है कि मान लीजिए हमें बहुत एंजाइटी है तो उस एक्सट्रीम एंजाइटी के लेवल पे आपकी कोई भी कितनी भी काउंसलिंग करे, हमारा थॉट प्राइमरीली उसी नेगेटिव थॉट के बारे में सोचता रहेगा कि नहीं मुझे तो रेबीज है, मुझे तो रेबीज है, कोई कितना भी समझाए आप मानने को तैयार नहीं होते। बट जो एंजाइटी की मेडिकेशन हम देते हैं वो आपकी ब्रेन में केमिकल लेवल पे कुछ इस तरीके से काम करती हैं कि जो ये आपका नेगेटिव थॉट डोमिनेट कर रहा है इसकी इंटेंसिटी कुछ कम हो जाती है, ताकि जो भी आपकी काउंसलिंग करने की कोशिश करे, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो या कोई भी रेबीज का एक्सपर्ट हो, आप उसकी बातों के लिए थोड़ा रिसेप्टिव हो, उनकी बातें समझने में आपको थोड़ी आसानी हो, ताकि आप अपने लेवल पर एफर्ट करके अपने दिमाग से ये वहम या डर निकाल पाए। दवाइयों का इसमें भी एक रोल है, और ये बात ज़रूरी है कि दवाइयाँ अगर शुरू हो गई हैं तो लोगों में डर है कि जी पता नहीं बंद होंगी कि नहीं होंगी, इनकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी, नींद की गोली तो नहीं दे देंगे। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट के सुपरविजन में कोई भी एंगजाइटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसका रिस्क या चांसेस बहुत कम है कि आपको दवाइयों की हैबिट पड़ जाएगी। दवाइयाँ और काउंसलिंग,
दोनों इस डर को हैंडल करने में आपकी हेल्प करेंगे। माइल्ड लेवल की एंजाइटी आपको सिर्फ काउंसलिंग से हेल्प मिल सकती है। अगर एंजाइटी मॉडरेट या सीवियर लेवल है, जिसको हम बोलते हैं कि आपका काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, लगातार ये बेचैनी बनी हुई है, तो उसमें दवाइयाँ ऐड ऑन करने से डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा।